हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से हमारे एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं येलो बैकग्राउंड कैसे करें सिर्फ एक मिनट में। और ये आप ये देख सकते हो, ये अपना पहले का फ़ोटो है और ये अपना फ़ोटो एडिटिंग करा हुआ है। और अगर आप भी इतना ही प्यारा फ़ोटो एडिट करना चाहते हो तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन चलते हैं आगे की ओर। तो आप जो भी फ़ोटो एडिट करना चाहते हो वो फ़ोटो आप लाइट रूम में एड कर लेना। तो अपन चलते हैं लाइट रूम में। और अपन आ जाएंगे लाइट रूम में। तो आप जो भी फ़ोटो एडिट करना चाहते हो वो लाइट रूम में आप ऐड कर लेना। तो मैं पहले ही ऐड कर चुका हूँ लाइट रूम में ये वाला फ़ोटो, तो इसको अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं पहले ही ऐड कर चुका हूँ ये वाला फ़ोटो, तो अपन इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये अपना फ़ोटो ऐड करा हुआ था वो आपने सेलेक्ट कर लिया, तो आप भी सिलेक्ट कर लेना ऐसी फ़ोटो। और फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद अपन को एडिट वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। एडिट वाले ऑप्शन पर आने के बाद इसको ऑटो नहीं करेंगे, इसको हल्का सा प्लस में कर देंगे। ये पूरा भी कर सकते हो आप, तो इसको अपन हल्का सा ही करेंगे जिससे अपना को आगे भी प्रीसेट का यूज़ करना है, जो वो यूज़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। और फिर उसको अपन आ जाएंगे कलर वाले ऑप्शन पर। कलर वाले ऑप्शन पर आने के बाद अपन को हल्का सा इसको प्लस में कर देना और इसको माइनस में कर देना। और इसी तरह अपन को सेकेंड वाले को भी प्लस में और इसको कर देना माइनस में, जैसे अपने फेस पे लाइट पड़े। और उसके बाद अपन को कर देना है डन। डन करने के बाद कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट कर देंगे और आ जाएंगे अपन बैक। बैक आने के बाद एक प्रीसेट का यूज़ करेंगे जो कि नीचे की तरफ है। और अगर आपके पास ये प्रीसेट ना हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बोलें, मैं आपको सेंड कर दूँगा। या फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल दूँगा, उस पर आप प्लीज़ मैसेज करें, कॉल ना करें। तो इस प्रीसेट को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो इसको अपन कर लेंगे यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक और कॉपी सेटिंग पे क्लिक करके कर देंगे ओके। और ओके करने के बाद अपन को आ जाएंगे बैक। और अभी आप जो भी फ़ोटो एडिट किए थे उसको अपन को दोबारा ऐड करना है, उसको दोबारा अपन ले लेंगे। ये अपना फ़ोटो आ चुका है, उसको आने के बाद अपन को थ्री डॉट पर क्लिक करके हल्का सा ऊपर जाएंगे और कर देंगे यहाँ से पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो कितना प्यारा हो चुका है ये बैकग्राउंड, ये देख सकते हो। और इसको थोड़ा डार्क करने के लिए अपन को एडिट वाले पे क्लिक करके कलर वाले पे क्लिक करके यहाँ से कर देंगे इसको फुल। फुल करने के बाद आप देख सकते हो कितना प्यारा हो चुका है ये अपना पहले का और ये आपका है, जो कि कितना प्यारा लग रहा है। और अगर आप भी इतना ही प्यारा फ़ोटो एडिट करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और ये कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको माइनस में और इसको कर देंगे प्लस में। और इसी तरह सेकंड वाले को भी कर देंगे फुल, जिससे अपने फेस पे लाइट आ जाए। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लाइट आ जाएगा अपने फेस पे। और आ जाएंगे अपने ग्रीन वाले पे। ग्रीन वाले पे आने के बाद इसको लाइट देंगे हल्का सा यहाँ से और इस पर आ जाएंगे येल्लो वाले पे। येल्लो वाले पे आने के बाद बैकग्राउंड आराम से चेंज कर सकते हो, इससे आप जो भी बैकग्राउंड रखना चाहो आराम से यहाँ से रख सकते हो। तो अपन इसको फुल ऑरेंज कर देंगे या फिर आप अपने फ़ोटो के अनुसार आप कर लेना। और इसको यहाँ से कर देंगे फुल, जिससे अपने बैकग्राउंड पे लाइट आ जाए। और यहाँ से कर देंगे अपन डन। और डन करने के बाद अपन को कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके कर देंगे फ़ोटो। तो ये हो गया अपना फ़ोटो एडिटिंग। और अगर आप भी इतना ही प्यारा फ़ोटो एडिट करना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसको अपन कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद सेव करने के लिए सेव को इस वाले पर क्लिक कर देना अपन को। और यहाँ से कर देंगे अपन ओके। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।